अपना जमा जमाया बिजनेस टाइपराइटर का 7.5 करोड़ में इन दोनों ने बेच दिया। तो फिर डील डन करें? हाँ बिल्कुल, 7.5 CR में डन करते हैं। उम्मीद 10 करोड़ का बिजनेस 7.5 करोड़ में खरीद लिया। अब तो नोट ही नोट छापेंगे, तो पैसा ही ऐसा होगा। 5 महीने के बाद इन दोनों का टाइपराइटर का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया, माल बिल्कुल भी बिक ही नहीं रहा। हेलो करिश्मा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। मैंने और अर्चिता ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। नया बिजनेस? पर तुम्हारा तो बिजनेस से इंटरेस्ट चला गया था ना? हाँ, लेकिन मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिल गए। तुम्हें और भूमि को इनॉग्रेशन पार्टी में इनवाइट करना था। पर बाकी बातें मिलके करते हैं। ओके बाय। वेलकम टू द इनॉग्रेशन पार्टी ऑफ आवर न्यू बिजनेस, प्लीज एंजॉय। अरे क्या हाल है भूमि, क्या हाल है करिश्मा? बढ़िया। अरे तुम्हें पता है, अर्चिता और खुशी ने दो बेवकूफों को अपना टाइपराइटर का बिजनेस बेच के नया कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया है। आज देखो इनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, उन दो बेवकूफों के पास क्या है? ओह नो, डूबा हुआ टाइपराइटर का बिजनेस। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन दोनों ने टाइपराइटर का एक बिजनेस खरीदा 7.5 करोड़ रुपए में, वहीं उन दोनों ने अपना टाइपराइटर का बिजनेस बेच दिया और नया कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया। टाइपराइटर वाले डूब गए और कंप्यूटर वालों ने पैसा कमा लिया। तो जब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत पैसा है, हमें पढ़ने लिखने की, कॉमर्स के, मैनेजमेंट को पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर है। भले ही इन दोनों के पास 7.5 करोड़ थे, बट कहां इन्वेस्ट करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इनको आइडिया ही नहीं था कि टाइपराइटर से अब हम कंप्यूटर वाली जनरेशन पे जा रहे हैं। तो अगर पैसे को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए।